तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहरवानती मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका चैनल डिजिटल टेक बुक पे, जहाँ पे हम लाते रहते हैं आपके लिए टेक्निकल एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगा, अगर आपका एक यूट्यूब में चैनल है तो आप उसमें जो वीडियो अपलोड करते रहते हैं उसमें बैकग्राउंड पर जो म्यूजिक लगाते हैं तो उसमें 100% कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। आपका चैनल के लिए आप 100% कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, 100% प्योर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, इसमें कोई स्ट्राइक नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारा आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में, जो वो तो बोलते हैं कि कॉपीराइट फ्री है, लेकिन क्या होता है ना, बाद में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। मैं आज आपको पूरा 100% फ्री वाला कॉपीराइट फ्री म्यूजिक बताऊंगा आप कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए, इसमें पूरा हम डिटेल्स बताएंगे, 100% श्योर लिख के रख लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए ऑल कीजिए, तो इससे क्या होगा ना, आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिलेगा। आप हमको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक आप फॉलो कर सकते हैं, हमारा एक टेलीग्राम में चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सअप में ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर विजिट कीजिए। आपको क्या करना होगा, पहले गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यूट्यूब में जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यूट्यूब में भी जा सकते हैं, यूट्यूब में जाना होगा। तो यूट्यूब में जाने के बाद वहाँ पे यूट्यूब का इंटरफेस खुल जाएगा। यूट्यूब में इंटरफेस खुल जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपका आइकन दिखा रहा है आपका, यहाँ पे क्या करना होगा, आपको क्लिक करके साइन इन करना होगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूँ, इसलिए मेरा जो चैनल का डिजिटल टेक जो चैनल है, चैनल का लोगो दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा। साइन इन करने बाद यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आपको यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पे जो यूट्यूब स्टूडियो दिखा रहा है तो यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में जाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो यूट्यूब स्टूडियो है यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो यूट्यूब स्टूडियो का जो है वो उसका पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यूट्यूब स्टूडियो का इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना होगा, सीधा नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पे देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ पे जाना होगा। जाने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो YouTube का ऑडियो लाइब्रेरी है वो खुल जाएगा। वो खुल जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं फ्री म्यूजिक, देख रहे हैं फ्री म्यूजिक में आप देखिए तरह तरह के म्यूजिक, फ्री म्यूजिक आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट जो है, आप साउंड इफेक्ट में क्लिक करके भी तरह तरह का साउंड डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे चिड़िया का आवाज़, कोई गाय का आवाज़, कुछ भी हो, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने से पहले मैं आपको और एक बात बताऊंगा, आपको और एक स्टेप कंप्लीट करना होगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, फ्री म्यूजिक में जाके यहाँ पे जो फिल्टर का ऑप्शन दिखा रहा है, जो फिल्टर का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, तो क्या करना होगा, आपको फिल्टर के ऊपर क्लिक करना होगा। फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रैक टाइटल, आप टाइटल वाइज सर्च कर सकते हैं, जनर वाइज सर्च कर सकते हैं, आर्टिस्ट के नाम देख सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़िए आप कर सकते हैं। इसका दो स्टेप महत्वपूर्ण है, एक है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, एक है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। ये जो एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एट्रीब्यूशन जो नॉट रिक्वायर्ड है वो गाना खुल जाएगा। एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड जनरली क्या होता है ना, यूट्यूब का ही गाना होता है। देखिए लाइसेंस टाइप जो है वो यूट्यूब दिखा रहा है, यूट्यूब का सिंबल आ रहा है। तो ये एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड गाना अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई एट्रीब्यूशन देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होंगे उसको डाउनलोड करके आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको हटा देते हैं, आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो है गाना वो खुल जाएगा। खुल जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ देखिए लाइसेंस टाइप दिखा रहा है, सीसी दिखा रहा है, ठीक है, कॉमन क्रिएटिव, मतलब कॉमन क्रिएटिव है, ठीक है, ये लाइसेंस टाइप में ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे देखिए क्लिक नहीं, खाली माउस आप ले जाइए, ले जाने के बाद ऐसे आपको दिखाएगा, देख रहे हैं ऐसे दिखाएगा। ऐसे जो व्यू डिटेल जो दिखा रहा है, तो आपको व्यू डिटेल दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो व्यू डिटेल, देखिए ये व्यू डिटेल्स में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। व्यू डिटेल्स के ऊपर चले क्लिक कर लेते हैं। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा है कि इंटरफेस
खुल जाएगा, ठीक है, ऐसा करके सर्विस खुल जाएगा। खुल जाएगा मतलब आपको क्या करना होगा, सिंपली ये जो कॉपी बटन देख रहे हैं, ये कॉपी बटन ने क्लिक करके ये जो पूरा का पूरा है, जो पूरा का पूरा है आपको कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे भी कॉपी बटन पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। चलिए हम कॉपी बटन पे क्लिक करके इसको कॉपी करना कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको डन कर देना होगा। डन करके जो जो टेस्ट कॉपी हो गया, ये गाना जहाँ पे आप लगाएंगे, जिस YouTube वीडियो में लगाएंगे आप, उसका वो वीडियो का जो अपलोड करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आएगा। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप हमेशा क्या कीजिए ना, यहाँ पे जो दिखा रहा है ना अट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, जो YouTube का खुद का सॉन्ग है उसको ही आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारा सॉन्ग है, देखिए आप नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 132 अबाउट 1517 पेज है, मतलब बहुत सारा पेज इसमें है, ठीक है, देख रहे हैं बहुत सारा पेज है, मतलब लाखों गाना यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है कि नहीं दोनों, आप लाखों गाना यहाँ पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जो अट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड है यूट्यूब का जो खुद का सॉन्ग है आप इसको लेकर यूज कीजिए, यूज करने के बाद आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, 100% नहीं आएगा। तो ये था पूरा वीडियो, आप कैसे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा का पूरा वीडियो, मैं आपको बताया पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो, तो आप कैसे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐसा आप डाउनलोड करके आपके यूट्यूब चैनल में ज़रूर अप्लाई कीजिए। आज के लिए उतना ही, बाय बाय, जय जगन्नाथ।